Good morning, friends. I am Dr. Chavda. आज हम डिस्कस करेंगे वेट लॉस कैसे करना है, वेट लॉस के टिप्स क्या है। सबसे पहले कि मैं बताऊं, वेट लॉस का मतलब लोग समझते हैं एकदम क्रैश डाइटिंग। एकदम क्रैश डाइटिंग नहीं है। आप हेल्दी टिप्स अडॉप्ट करें तो वेट लॉस इजी हो जाएगा। सबसे पहले तो टिप मैं ये कहूंगा, आप जो खाते हैं आप अपने किसी न्यूट्रिशन के पास जाएं और उससे डिस्कस करें कि मैं ये खाता हूं, ये खाती हूं तो मेरे में क्या प्रॉब्लम है। वो आपकी डाइट प्लान, डाइट चार्ट बना देंगे, आप उस हिसाब से डाइट लें। नंबर एक। नंबर दो, आप कैलोरीज कंसेप्ट को समझें, किस चीज में कितनी कैलोरीज हैं। अगर आप कैलोरीज कंसेप्ट समझ गए तो आपको वेट लॉस करना आसान होगा। चलो अब एक एक करके टिप्स की बात करते हैं कैसे करना है। एक तो सुबह जैसे उठें आप गुनगुने पानी में नींबू और शहद डालकर डेली पिएं, एक दो ग्लास, तीन ग्लास, जितना आप टॉयलेट कर सकते हैं उतना पानी पिए। दूसरी बात यह है कि आपको ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं। ब्रेकफास्ट एक तो इसका टाइम बहुत निश्चित है, 7 से 9 के बीच में ब्रेकफास्ट ले लें, इस टाइम मैक्सिमम डाइजेशन होता है, जो भी खा लें पच जाएगा, आप उसकी वजह से ओवरवेट नहीं होगा। और अगर आपको स्किप करना ही है तो आप डिनर स्किप कर सकते हैं या लाइट डिनर ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट स्किप मत करें। दूसरी बात जो मैं कहने जा रहा हूं, सबको मालूम है जंक फूड, हम जंक फूड बहुत ज्यादा खाना चालू कर दिया हमने, जैसे चॉकलेट, केक, पेस्ट्री, आइसक्रीम वगैरह वगैरह हम दिन रात खाते रहते हैं। ये हमारी डाइट का पार्ट बन चुका है जिससे बहुत वेट बढ़ता है। एक आप जब भी खाना खाएं, खाना खाने 1 घंटा पहले और खाना खाने के 1 घंटा बाद आप गुनगुना पानी पिए, ये वेट लॉस करने में हेल्प करता है। और एक आप जब भी खाना खाएं, स्पेशली मैं कहता हूं लंच जब लें, लंच से पहले 1 घंटा 2 घंटे पहले आप एक बड़ा बाउल सैलड का भर के लें। सैलड का मतलब एक चीज नहीं है, आप कई बार सिर्फ एक गाजर खा लेंगे या मूली खा लेंगे, शलगम खा, ऐसा नहीं। सैलड में सभी चीजें सॉर्टेड होनी चाहिए, गाजर, मूली, शलगम, गोभी, मटर, इवन आप हल्के कुछ फ्रूट्स मिक्स कर सकते हैं, मिक्स करके खाएं। इसका सैलेड का खाना इसलिए ज्यादा जरूरी मानते हैं कि जब आप वेट लॉस करें तो आप डाइट कम करें, जब डाइट करें तो आपकी बॉडी में विटामिन की कमी होने के चांसेस हो जाते हैं। अगर आप सैलेड खा रहे हैं तो विटामिन डेफिशिएंसी नहीं होगी। सो सैलेड को एक पार्ट बनाएं और इसमें स्प्राउट्स वगैरह, मूंग दाल, चना दाल, जो भी आप दाल पसंद करते हैं उसे स्प्राउट्स भी बीच में डालें। एक डाइट में फाइबर को ऐड करें, फाइबर बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है, क्योंकि जब आप डाइट वेट लॉस कर रहे हैं तो आप डाइट कम कर रहे हैं, जब डाइट कम कर रहे हैं तो हमारे कॉन्स्टिपेशन होने की पॉसिबिलिटी होती है, उसको कवर करने के लिए बॉडी में फाइबर होना चाहिए। मैं उसके रिकमेंड करता हूं आप अलसी के बीज हल्के भून के अलसी के बीज अपनी डाइट के अंदर शामिल करें, टेस्टी है, दिन में 1 चम्मच पानी के साथ लेते रहें, इससे फाइबर की कमी नहीं होगी। एक मैं कहना चाहूंगा प्रोटीन इंटेक को डबल करें जितना हो सकता है। जहां तक सवाल करें कैलोरीज की, प्रोटीन में और कार्बोहाइड्रेट में इक्वल कैलोरीज हैं, मगर प्रोटीन का इंटेक आपकी मसल्स के मेंटेनेंस के लिए बहुत जरूरी है, प्रोटीन को बढ़ाएं। एक बहुत अहम जरूरी बात, आप वॉक करें सुबह शाम 45 मिनट्स, सुबह 45 मिनट्स, शाम को वॉक करें या एक्सरसाइज करें। जब आप एक्सरसाइज करें तो एक्सरसाइज से पहले वार्म अप जरूर करें, ऐसा नहीं उठते ही एकदम आप एक्सरसाइज करने लग जाएं। और जब आप वॉक करें, आप वॉक करने जाएं, आप अपने साथ पानी रखें, पानी बीच में सिप करके पीते रहें, उससे बॉडी आपकी आपको मेंटल प्लेजर मिलेगा और आपको थकावट कम होगी। एक ग्रीन टी, आप ग्रीन टी दिन में 2-3-4 बार पी सकते हैं, मगर इसमें शुगर ना डाले तो बेहतर रिजल्ट होगा। एक होता कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, हम ना बहुत ड्रिंक्स पीने लग गए हैं, जैसे कि पेप्सी, कोक वगैरह वगैरह, इनमें बहुत ही ज्यादा शुगर होती है,
आप इनको बिल्कुल अवॉइड करें इनका लेने। अगर आप ये लेते हैं आप किसी भी तरीके से आप वेट लॉस नहीं कर पाएंगे। और एक ड्रिंक लोग रात को ड्रिंक करने लगे हैं, बहुत ड्रिंक करते हैं और कई बार मैंने कहा बहुत ड्रिंक कर लेंगे उस साथ पता नहीं कितना अनाप शनाप खा लेंगे और उसके बाद फूल पूरा पेट भर खाने में खा लेंगे। मुझे समझ नहीं आती वो अपनी बॉडी के साथ इतनी खिलवाड़ क्यों करते हैं। एक आप खाना चबा के खाएं, आप चबा के खाने का ही फायदा होता है। जब आप चबाते हैं हमारे सलाइवा में एंजाइम्स होते हैं, वो सक्रिय अच्छे होते हैं, अच्छी मेटाबॉलिज्म होती है, खाना अच्छा पकता है। दूसरी बात, जब आप धीरे धीरे खा रहे हैं आपकी पेट जब फुल होता है वो मैसेज आपको ब्रेन के जाता है कि आपका पेट फुल हो गया है, आप खाना रोक देते हैं। मगर आप जब बहुत फास्ट खा रहे हैं मैसेज लेट पहुंचता है, उससे पहले आप ओवर ईट कर चुके होते हैं, इसलिए खाना चबा के खाना इस वजह से भी जरूरी है। बात रही नींद की, नींद 7-8 घंटे नींद होनी चाहिए, बहुत कम नींद या बहुत ज्यादा नींद दोनों ही दिक्कत वाली बात है। एक बात यह है आप अपनी जिंदगी में थोड़ा वक्त एक्सरसाइज ऐसा बनाए कि रूटीन में ऐसा हो। मान लो घर पर सीढ़ी है, आप सीढ़ी हर दिन में 2-4 बार चढ़े उतरे, किसी कोई भी कारण हो काम करने का बहाना ढूंढे, काम ना करने का बहाना मत ढूंढे, काम करने का बहाना ढूंढे, दिन में 2-4 बार सीढ़ी भी चढ़े उतरे, उससे भी आपका वेट लॉस होने में हेल्प हो। एक अहम बात, आप जब आप वेट लॉस करते हैं कई बार बहुत ही अनएक्सेप्टेड टारगेट्स बना लेते हैं। आपने ये बना लिया मैं 10 किलो वजन कम करूंगी, मगर ऐसा नहीं हो पाता। तो आप ऐसा टारगेट बनाएं जो आप एक्चुअली अचीव कर पाएं ताकि आप डिस्करेज ना हो। आप टारगेट बनाएं 2 किलो पर मंथ, 3 kg per month, 4 kg per month का टारगेट बनाएं ताकि जो आप अचीव कर पाएं उससे आप अगर ऐसा नहीं कर पाते तो डिस्करेज नहीं होते। दूसरी बात, जब आप टारगेट बनाते हैं आप वेट लॉस करते हैं, आप फ्रेंड्स को भी साथ बनाएं कि मैं इतना वेट लॉस करने का टारगेट मैंने रखा है, ताकि आपके माइंड में रहे अगर मेरा मैं टारगेट अचीव नहीं कर पाई तो फ्रेंड्स मेरे को ह्यूमिलेशन होगा। तो आप ऐसा टारगेट बनाएं और फ्रेंड्स को बताएं ताकि आप उसको फॉलो कर पाएं। एक आप जब वॉक करते हैं सैर करते हैं स्टेप्स को काउंट करो। स्टेप्स काउंटर आप हर मोबाइल में आप स्टेप काउंटर को ऑन रखें, आपको शाम को यह एहसास हो जाएगा आज मैंने वॉक कम करी या ज्यादा करी। तो आपको स्टेप्स काउंटर आपके पास मोबाइल में हर टाइम होना चाहिए। एक योगा या जिम जो भी आप ठीक समझे आप उसको साथ ज्वाइन कर लीजिए, जब आप वेट लॉस कर रहे हैं उससे आपको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट, अब तक मैं आपको बताता रहा हूं ये खाएं ये ना खाएं ये ना खाएं ये ना खाएं, मैंने ये नहीं कहा क्या खाएं। कुछ चीजें खाने से वेट लॉस होता है मगर कोई जादू की छड़ी कोई भी चीज नहीं है जिसे खा के आपका वेट लॉस हो जाएगा। आप ऑरेंज फैमिली के फ्रूट्स जितने खा सकते हैं खाएं, एवोकाडोस की चटनी या जो भी डिश आप न्यूट्रिशन से पूछ के वो खाएं, अंडे खाएं, फ्रूट खाएं, जूस ना पी के फ्रूट खाना प्रेफर करें क्योंकि फ्रूट के अंदर फाइबर भी एडिशनल हो जाता है। योगर्ट दही खाएं, बीन्स खाएं, पॉपकॉर्न खाएं, नाश्ते में आलमंड्स वगैरह आप नाश्ते में रखें, ड्राई फ्रूट नाश्ते के अंदर एक पार्ट बना लें और घर में छाछ पिए, बिना फैट की लस्सी जिसको बोलते हैं वो पिए, आंवला का रस पिए और फ्रूट्स वगैरह खाएं, ये आप कर सकते हैं। बहुत वो कुछ फ्रूट्स जिस तरह आम है इनके अंदर शुगर बहुत है, चीकू है, इनको थोड़ा अवॉइड करें, कम चीनी वाले फ्रूट्स खाएं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक आप हैबिट के अंदर लाइफ के अंदर पार्ट बनाए डांस का, डांस है और भी एक्सरसाइज जो भी आप ठीक समझे जिंदगी के एक पार्ट बना ले। एक खाना ठीक टाइम पर खाएं, कई लोग मैंने देखा है लंच करें शाम को 6 बजे, डिनर करें रात को 12 बजे। एक बात जरूर याद रखें, रात को सोने से पहले कम से कम 3 घंटे पहले आपको 2 घंटे पहले खाना खाना होना चाहिए, उसके बाद थोड़ी एक्सरसाइज जरूरी है। लोगों को देखा 12 बजे खाना खाएंगे और 12-5 पे सो जाएंगे, अगर आप ऐसा कर रहे हैं आप समझ लिए आपके समझ लें कि आपका साथ क्या होने वाला है। एक क्या होता है लोगों को वेट लॉस करना होता है, कहेंगे बच्चों की छुट्टियां हो जाएंगी उसके बाद करूंगी, अब इस बहाने के बाद मैं इस तरह करूंगी, इस समर में करूंगी, विंटर में नहीं हो रहा समर में करूंगी, ये एक्सक्यूजेज हैं। वेट लॉस आज से अभी से, अगर आप दोपहर का खाना खाना है आप मान लो 3 चपाती खाने हैं, आप ये मान लीजिए कम से कम इतना चेंज तो कर दिए आप चपाती के आज में घी नहीं लगाऊंगी या मैं 3 के बजाय 2 चपाती करूंगी, तो वेट लॉस कल नहीं आज, आज नहीं अभी,
अगर अभी करेंगे तो हो जाएगा, नहीं तो आप कभी समर की इंतजार करते रहेंगे, कभी बच्चों की छुट्टियों का इंतजार करते रहेंगे, ये कभी भी नहीं होगा। और एक लास्ट बात लेडीज के लिए, लेडीज ध्यान से नोट कर लें इसको, मैं कहता हूं लेडीज आर दी गवर्नर ऑफ दी होम, आप घर की गवर्नर हैं। अगर आपके घर में आपका हस्बैंड, आपका बेटा, आपका बेटी मोटी है, उसमें आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे है? आप बच्चों के ऊपर ध्यान रखें, आप घर के ऊपर ध्यान रखें, आप हस्बैंड की डाइट के ऊपर ध्यान रखें। अगर मान लीजिए आपके हस्बैंड ने, आपके बेटे ने सुबह नाश्ता बहुत हैवी किया, आप अपनी विजडम लगा के अगर उन्होंने नाश्ता हैवी किया है, लंच में जब खाना बनाएं चपाती में घी कम कर दें, सब्जी में घी कम कर दें, दो सब्जी के बजाय एक सब्जी दे दें, आप उनका ध्यान रखें। अगर थोड़ी थोड़ी बातों आप ध्यान रखेंगे तो वो कभी भी घर में कोई मोटा नहीं होगा। अगर कोई घर में मोटा है तो आपकी जिम्मेवारी साथ के साथ बनती है। आप एक फार्मूला याद रखेंगे, ना मैं ज्यादा खाऊंगी और ना मैं किसी को ज्यादा खाने दूंगी। अगर आपने ये याद रख लिया तो कोई भी मोटा नहीं होगा, सब ठीक होगा। थैंक यू वेरी मच।